हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज 23 सितंबर 2019 की सभी कर्मचारियों और पेंशन के दिन भर की 3 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए आपको लेके चलते पहले न्यूज पर। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आपको लेके चलते हैं सीधा उस न्यूज पर। पहली न्यूज जो आ रही है बड़ी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से न्यूज आ रही है। उसमें जो डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज है आर्मी और ऑर्डनेंस कॉर्प्स में, उनके जो बोनस की अनाउंस हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उनको जो है 40 डेज का बोनस दिया जा रहा है। यानी कि आपको जो है 7,000 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि 40 डेज का वेजेस के इक्वल में जो भी होगा आपका 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर का, उसी के हिसाब से आपको जो है 7,000 रुपए आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप कैजुअल लेबर हैं तो आपको जो है 1,200 रुपए जो है वेजेस के हिसाब से आपको 12, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपको 12,000 के आसपास जो है आपको जो आपको बोनस प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ग्रुप बी के नॉन गेजेटेड, ग्रुप सी के जो और ग्रुप डी के एम्प्लॉय जो है उनको 7,000 रुपए सरकार जो है 40 दिन का वेजेस के बराबर जो है आपको प्रोवाइड करा रही है बोनस। तो ये अच्छी खबर है सभी डिफेंस में सिविलियन एम्प्लॉय है जो भी, सभी आर्मी के और ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में। चलिए दूसरी न्यूज की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज जो है, आपको पता है रेलवे की जो फेडरेशन है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, उन्होंने गवर्नमेंट से जो है रिक्वेस्ट की है कि जो 1 जनवरी और 1 जुलाई को जो इंक्रीमेंट होते हैं उसमें जो 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायरमेंट हो जाते हैं जिसके चलते तो उनको जो है हर साल का जो जो इंक्रीमेंट होता है जो नॉर्मल बेसिस इंक्रीमेंट होता है वो नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से रिक्वेस्ट की है कि आप जो है उनको पहले, क्योंकि मैं बता दूंगा आपको इससे पहले जो अभी डेट आई थी 1 जुलाई को इंक्रीमेंट हुआ था, जो जो 30 जून को जो जो रिटायर हो गए थे उनको जो है गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड कराया था उनको लास्ट इंक्रीमेंट। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आगे जो भी 30 जून या 31 दिसंबर को जो रिटायरमेंट हो जाते हैं और उनका नेक्स्ट डेट में जो इंक्रीमेंट होता है वो उनको प्रोवाइड करा जाए, ऐसी रिक्वेस्ट की है उन्होंने। तो आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं जो कि एक अच्छी खबर है। चलिए तीसरी न्यूज की तरफ लेके चलते हैं। तीसरी न्यूज जो है, जो GDS है ग्रामीण डाक सेवक यानी मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट के GDS सेक्शन से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो GDS सेक्शन से न्यूज आई है कि जो डाक सेवक हैं, ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनको चाइल्ड एजुकेशन फैसिलिटी जो है अलाउंसेस प्रोवाइड कराया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग ये रिकमेंडेशन उनके माने गए, उनके जो इम्प्लीमेंटेशन है, और अब से उनको जो है 6,000 रुपये पर सिंगल बच्चे पर उनको 6,000 रुपये का एक फिक्स्ड अमाउंट सरकार उनको प्रोवाइड कराएगी, आप देख सकते हैं इसमें। और ये सिर्फ उनको 2 चिल्ड्रन तक ही मिलेगा, आप देख सकते हैं इसमें यूजुअल 2 चिल्ड्रन और पर चिल्ड्रन जो है फिक्स है कि आपको 6,000 रुपये सरकार जो है बच्चे की एजुकेशन के लिए सरकार ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, जो कि एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।